हेलो गाइज, आपका फिर से हमारे ब्लॉग में स्वागत है। ये आम जो थे उनका मैं बना रही हूँ पन्ना। तो पहले मैं पानी ले ली और पानी लेने के बाद अब इस पानी को मैं गर्म करूँगी और इसमें डालूँगी आम। तो आम जो मैंने इसको वॉश कर लिए पहले ढंग से, और उसके बाद फिर उस पतीली या भगोना कुछ भी कहते हैं उसमें हम डालेंगे आम को। और अब हम इसको चूल्हे पर चाहेंगे। मेरा चूल्हा थोड़ा सा डुगमगुलू है, बहुत पुराना, आई थिंक 2001 का है, भगवान की देन से बढ़िया है, चल रहा है। तो ये चढ़ गया भगोना और उसके बाद अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये ढंग से पक जाए। उसके बाद मैं रोस्टेड ये जीरा है, जीरा लिया है, अब मैं इसको पीसूँगी भी। ये रोस्ट किए थे भून के, तावे पे भून लिया था। उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने ही घर के पुदीने को तोड़ने। यहाँ पे मैंने गमले में पुदीना लगाया था, उसी को दिया तो काफ़ी काम दे देता है, और नेचुरल पुदीना होता है तो महक भी बहुत अच्छी आती है। ये पुदीना अभी कम हरे भरे हैं, इससे पहले तो और बड़े बड़े थे, तो अभी तो काफ़ी लोग तोड़ लेते हैं। जैसे मेरे घर में कभी पुदीने की चाय बन जाती है तो पुदीने की चटनी बन जाती है। तो यही एक गमला है जो पुदीना हम लोग को देता है, इसी से यूज करते हैं। बाकी कभी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो मार्केट से भी ले लेते, बट उसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं, स्वाद नहीं रहता, ये सुगंध नहीं रहती जो मिंट की इसमें आ रही है, गजब की आती है, मस्त वाली है, मज़ा आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे पुदीने थे, बहुत सारे नहीं, जितना मुझे जरूरत थी, आई थिंक 5-6 आम के लिए कितना काफ़ी होता, 5 आम थे मेरे पास, तो 5 आम के लिए कितना काफ़ी वो ठीक है। आम तो खेत के लाई थी और वो ऐसे ही, मेरे घर पेड़ नहीं है तो मैं ये झूठ नहीं बोल सकती पेड़ से तोड़ के लाई। नहीं भाई, पैसे दिए और आम खरीदा तो फिर एडजस्ट कर लेते हैं, वैसे तोड़ने का मज़ा ही कुछ और है, नहीं है तो क्या ही कर सकता है इंसान। फिर भी आम को लेके पुदीने के साथ, पुदीना और आम का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। ये इतने मैंने कलेक्ट किए थे और अभी और भी तोड़ूंगी। काफ़ी तोड़ लेने के बाद मैं बनाऊँगी पन्ना। पन्ना बनाने के लिए क्या करना है, आप जो धनिया है उसको रोस्ट के उसको पीस लीजिए, और ये जो पुदीना लूँगी उसको मैं भी पीस लूँगी, और उसको पानी में, ठंडे पानी में, बर्फ़ वाला पानी लेके उसमें डाल देंगे और घोल देंगे। अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए उसमें, काला नमक कब यूज करते हैं, थोड़ा सा काला नमक, और जो सफ़ेद नमक होती है जो हम लोग खाते हैं आयोडीन युक्त नमक, उसको डालिए। उसको डालने पे दोनों का स्वाद बराबर आ जाएगा। और कुछ लोगों को खट्टा मीठा पन्ना भी पसंद है तो वो अपने पन्ने में चीनी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे तो नहीं पसंद खट्टा मीठा, मुझे तो सिर्फ खट्टा पसंद है या तो मीठा ही पसंद है, तो ऐसे। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मुझे या तो कोई एक चाहिए तो मैं तो नमक डाल के बना लेती हूँ, वो परफेक्ट होता है। जिनको खट्टा मीठा चाहिए तो वो चीनी का भी यूज कर सकता है अपने पन्ने में, और बड़ा ईजिली पन्ना बन जाता है, बाहर के पन्ने से तो बहुत फ्रेश। आम को कुछ नहीं करना है, आपको आम को निकालना है, छीलना है, उसको मैश करना है। मैश करने के बाद आप उसको पन के साथ खोल दीजिए, मैश करके घोल दीजिए, उसी में ये पीसी जीरा डाल दीजिए, और फिर अपने हिसाब से नमक और पुदीना का पेस्ट। ये जीरा जो मैंने दिखाया था उसी जीरा को मैंने पीस लिया है, और एक्चुअली मिक्सर ख़राब है इसलिए इसका भी काम हो रहा है, पर ये काफ़ी अच्छा है, थोड़ा काम हो तो इसका यूज करना चाहिए, ये बहुत स्वाद अच्छा देता है। फिर जो मैं पुदीना रहती थी उन सबको धो ली ताकि अच्छे से मिट्टी विट्टी ना रहे, और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले आप उसको बहुत अच्छे से धोएं, क्योंकि आजकल के जनरेशन में बहुत कुछ अजीबोगरीब चल रहा है, लोगों को बड़ी मतलब अपनी सुविधाओं को तो ध्यान देना ही चाहिए, पता नहीं क्या क्या इधर उधर की चीज़ें हो जाती हैं। सेहत बड़ी बात है ज़िंदगी में। और फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मेरे आम की क्या दशा है। आम तो लगभग पकने वाला था, पर ये पका हुआ नहीं है, बस ये रंग बदल दिया, तो मुझे लगा कि ये पक गया, बट पका नहीं था। चाकू डालने के बाद, मतलब चाकू से उसको टच करके दबाने के बावजूद भी वो नहीं जा रहा था, तो मुझे लगा कि यार कच्चा ही। तो फाइनली ये मेरे आम पकने के लिए लगे हुए हैं, अभी पके नहीं है, टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में। और अब ये आम की दशा उतनी अच्छी नहीं है, ये अभी और इनको पकना है, इसलिए मैं रख के पुदीना पीसना
प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। आप पुदीना भी पीस के रख के तैयार कर लेते मटेरियल। तो पुदीना के लिए मैंने कुटनी का यूज़ किया, कुटनी में डाल के पुदीना को कुचने की कोशिश की। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये इसमें इतने महीन तो नहीं कुचेंगे, इसलिए मैं सिल बट्टे पे दोबारा इसको ले जा कर पीसी। वो तो नहीं दिखा पाई क्योंकि उसका सूट नहीं कर पाए। तो फिर उसके बाद फिर पुदीने को कूट कूट के बेचारा बहुत कूटा मेरे से, फिर भी कूट कूट के इसका रस तो निकाले और बड़े मज़े से पन्ना पिया था, बहुत मज़ा आया था। ये आवाज़ मैं बाद में दे रही हूँ इसलिए थोड़ा सा लग रहा था थी क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं पहले रिकॉर्ड करती हूँ और फिर आवाज़ देती हूँ। कुटनी से कुचा ही रहा था धीरे धीरे धीरे, इसमें थोड़ा कुटा तो जाता अच्छे से, महीन ही हो जाता पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता। पर मेरे घर वाले तो बहुत तो कुछ बनना चाहिए 15-20 मिनट के अंदर, तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। फिर अभी देखा तो आम की दशा ऐसी थी कि आम पक चुके हैं, अब इनको मैं निकाल लूँगी चिमटे से। ये जो है ये तो चाकू था जिसे मैं देख रही थी, और इसमें चिमटे होते हैं, चिमटे से निकाल के इसको दूसरे पानी में, पहले तो थाली में रखा फिर उसके बाद पानी में रख डाला क्योंकि बहुत गर्म था, छीनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मैं आप लोग को फिर से बता दे रही हूँ, पन्ने को बनाने के लिए इसका गूदा निकाल लेंगे और फिर एक पानी लेंगे, गूदे में पानी में गूदे को मिक्स कर लेंगे और जीरा जो पीसे हैं रोस्टेड वाला वो डालेंगे और नमक अपने अनुसार डालिए, काला नमक और सफ़ेद नमक, आयोडीन वाला युक्त नमक डालिए। और इसके बाद कुछ लोगों को मीठा भी पसंद है तो वो चीनी भी डाल सकता है, और अगर बर्फ़ के क्यूब हैं या बर्फ़ हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको किसी बर्तन में रख के आप उनको किसी को पेश कीजिए, मतलब दे दीजिए बर्फ़ डाल के। और आपको पता है ये बहुत सिंपल तरीका है पन्ने का और ये सबसे शुद्ध और फास्ट रेसिपी, मतलब ये क्या है, फ़ायदेमंद है, ईजी है और बहुत ईजी है, कोई भी आराम से बना सकता है। मैं बस इसको छीले जा रही थी, ये चार छील लिया था, एक और बच्चा था उसको छीलना था। वहाँ पे मैंने धनिया को, मतलब धनिया क्यों बोलती हूँ मैं बाबा, जीरा को भून के पीस लिया था। लैंग्वेज की दिक्कत है मेरे साथ थोड़ी सी। और ये जो मैं पानी तैयार की हूँ, ये पानी किसका है, जीरे की, पुदीना की पेस्ट का और नमक और काली। और ये लीजिए पुदीना का, मतलब आम का पन्ना पुदीना के साथ तैयार है। आप इसका सेवन कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मुझे खासकर इसकी चीज़ें पसंद आती है, वो डेकोरेशन में लास्ट में पुदीना, आई लव इट। जी इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।